भावना है। आज का मुख्य विषय यह है, यदि 3-4 दिन पहले झारखंड सरकार ने 2 वर्ष पूरा होने पर मोरहाबादी मैदान में बड़े बड़े होर्डिंग्स और खाली कुर्सियों के बीच 2 साल का नाकामी का जश्न मनाने का काम किया। नाकामी इसलिए, कोई भी सरकार सत्ता में जब आती है तो चूंकि कोई भी स्टेट वेलफेयर स्टेट होती है, इसलिए जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे काम करना पड़ता है। आज मैं सिर्फ 2 विषय पर, क्योंकि मेरे पास मंत्री के रूप में जो विभाग था, नगर विकास आवास एवं परिवहन विभाग, मैं उसी पर ही चर्चा करने करूंगा। जब मैंने पदभार मंत्री के रूप में ग्रहण किया, उस समय 2014 और 15 का, जब माननीय मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, तो नगर विकास विभाग का 900 करोड़ का बजट हुआ करता था। मैंने सत्ता संभालते ही उसे तिगुना 2700 करोड़ का बजट किया। इसलिए किया कि आज पूरे राज्य की 24% आबादी शहरों में निवास करती है। ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार है। आज उससे ज्यादा लोग निवास करते हैं। वैसे लोगों को, शहर में रहने वाले लोगों को शुद्ध पेयजल, सफाई, स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, नालियां, पार्क इत्यादि पर खर्च करने के लिए आवश्यक था। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को पक्के आवास भी बनवाना, क्योंकि उस समय डबल इंजन की सरकार थी, इसलिए यह अति आवश्यक था। साथ ही शौचालय का निर्माण, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके घरों में शौचालय नहीं था, ये सारी चीजें किया बजट के आधार पर। ये सरकार 2019 में सत्ता में आई और तब से लेकर अभी तक खजाना खाली होने का रोना रोते रहती है। साथ ही एक वैश्विक महामारी कोरोना भी है, एक बहाना कोरोना का ही नहीं मिला। लेकिन यदि तुलना करें तो आपने देखा होगा कि भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो सिर्फ 2 साल में बनकर तैयार हुआ। अभी कानपुर में मेट्रो रेल का उन्होंने सौगात दिया है, वो 2019 में शुरू हुआ था, अब 21 में कंप्लीट हो गया। झारखंड की सरकार का मैं 2020 का और 2021 का देख रहा था, जो बजटीय भाषण था, उस बजटीय भाषण के अंतर्गत जो
जो पिछली सरकार ने काम किया था उसी को अक्षर सर उन्होंने डालने का काम किया। उदाहरण स्वरूप है, अमृत योजना के तहत 7 शहरों चयनित 7 शहरों में 35 पार्कों का निर्माण का प्रारंभ हमने कराया था, उसकी भी चर्चा उन्होंने किया। एक कॉमन जो हमारे नगर निकाय हैं, जिसे अपने कार्यकाल में 12 नगर निकाय मैंने गठित किया था, उसमें से 19 नगर निकायों में शुद्ध पेयजल हर व्यक्ति के घर तक पहुंचे, उस योजना को प्रारंभ किया था। आप भी यहां से 5 मिनट भी नहीं लगेगा कि दूरी पर ही हरमू में ही आप देखते होंगे तो बहुत बड़ा जल मीनार बन रहा है। ऐसे ऐसे जल मीनार सिर्फ रांची शहर के अंदर 14 बन रहे हैं, जिसका है कि पाइपलाइन ही मोहल्ले तक नहीं पहुंचेगी बल्कि फ्री में घर में कनेक्शन भी देना, एक कनेक्शन देना है। ये सारे काम पिछली सरकारों के थे। इस सरकार में एक भी काम नहीं किया गया, घोषणाएं की गई है, वो घोषणाएं पिछली सरकार के किए गए कार्यों को ही इन्होंने घोषणा दिया है, अपना हम क्या करेंगे इन्होंने नहीं किया। परिवहन क्षेत्र में भी आज हर्ष का विषय है कि देवघर परिचालन हेतु तैयार हो गया है। ऐसे 6 एयरपोर्ट का शुभारंभ हमारे समय में हुआ। आप जितने रांची से, क्योंकि रांची राजधानी है, प्रत्येक शहरों के लिए वातानुकूलित बसें देखते हुए वो हमारे कार्यकाल में हमने प्रारंभ कराया था। अभी कुछ चीजें बाकी रह गई थी। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन किया, वो हमारे सरकार के कार्यकाल का था। हरमू में ही पटेल पार्क का, उस पटेल पार्क का गर्व मुझे इस बात का है कि उस पटेल पार्क का मैंने विधानसभा में आश्वासन दिया था, क्योंकि पिछली सरकारों में उसका आधा हिस्सा किसी को दे दिया गया था और मैंने आश्वासन दिया कि नहीं, ये पार्क है, पार्क ही रहेगा, इसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं होगा। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वैसे सज्जन है, आप समझ जाएंगे, आप सबके कैमरे में हमेशा आते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि पटेल जी की वहां मूर्ति लगेगी तो मैं उसे तोड़ दूंगा। बात विवाह ही मानी उन्होंने। उसका निर्माण सहित झारखंड के विभिन्न शहरों में, रांची सहित, तालाबों का सौंदर्यीकरण, पार्कों का सौंदर्यीकरण से लेकर तरह तरह के काम पिछली सरकार ने किया। कहा गया है कि कोई भी चीज महत्वपूर्ण या वैल्यूएबल तब होती है वो पाने के पहले और दूसरा खोने के बाद। तो पाने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार है उसे लोग पाने के पहले उनके लिए महत्वपूर्ण लगता था, लेकिन पिछली सरकार को खोने के बाद अब उन्हें लगता है कि पिछली सरकार को हमने क्यों नहीं दोबारा लाया। आज लोग अफसोस कर रहे हैं, इसलिए अफसोस कर रहे हैं कि आज देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा। आज किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक जड़ता की स्थिति है, किम कृत्यम विमूढ़ की स्थिति है। सरकार का काम है पिछली सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना और नई सरकार अपनी नई योजनाओं को आगे लाना।
पिछली सरकार की योजनाओं पर भी प्रश्न लगा रही है और नई योजना ला नहीं रही है, जिसके कारण शहर के अंतर्गत जो सड़कें पिछली सरकार में बनी थी आज थोड़े बहुत गड्ढे भी हुए हैं, तो इस सरकार उसका रिपेयर करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं और हमारे गली में झारखंड सरकार के मंत्री जी का आवास अगल बगल है, कम सटा हुआ दीवार है, वहां गड्ढे हो गए, मंत्री जी भी रोज आते जाते, मैं तो आता ही जाता हूं, लेकिन उसको भी सरकार की दृष्टि में ये सब बातें नहीं आई। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि झारखंड की जनता परिपक्व है और निश्चित रूप से इन सातवीं बातों को संज्ञान में ले रही है, लेकिन अभी संज्ञान में लेने से नहीं होगा, बल्कि सरकार को काम करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा और इसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है। आम जनता का सहयोग इसमें अपेक्षित है, ताकि सरकार पर हम दबाव देकर कि जनहित में वो सारे काम करें, ताकि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को लाभ हो सके, सिर्फ तुष्टिकरण वोट के लिए न करें, क्योंकि यहाँ तुष्टिकरण की। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।